अरे क्या बात है, ये मुंह क्यों फुलाया हुआ है? तो क्या करूं मैं, इतना खर्चा करके तुम्हें लेने गया था और तुम्हारी माँ ने ये देखो ना 100 रुपए पकड़ा दिए। अच्छा तो ये बात है, अभी गुस्सा मत करो, अभी के लिए यही रख लो ठीक है। 500 की मिठाई लेके गया था और 300 रुपए के फ्रूट्स और तुम्हारी माँ के नजर में ये 100 रुपए की कीमत है मेरी। कैसे कंजूस खानदान में शादी हो गया मेरा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम यहाँ मुझे लेने आए थे या फिर ये फल और मिठाई बेचने के लिए आए थे? उस घर का दामाद हूँ मैं और तुम्हारी माँ के नज़र में यही 100 रुपए की कीमत है मेरी। कोई कदर नहीं करता है मेरा वहाँ पे। देखो मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी के अभी वापस करके आता हूँ बस। अच्छा ठीक है, मुझे लिफाफा दो। दो अब ना तुम्हें ये पैसे मिलेंगे और ना ही उनकी बेटी। जा रही हूँ मैं वापस। हाँ तो तुम ही पकड़ो ये शगुन का लिफाफा, मुझे नहीं चाहिए। सुनो ना, क्यों ड्रामा कर रहे हो, शगुन के तो 11 रुपए भी बहुत होते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, तुम ही रखो ये शगुन के 100 रुपए अपने पास। देखो अगर मैं वापस चली गई तो तुम माँ पापा को क्या जवाब दोगे, और फिर पड़ोसी भी बातें बनाएंगे। उनकी टेंशन तुम मत लो, उन्हें मैं समझा दूंगा ठीक है। तुम अपना सामान लो और ये शगुन के पैसे लेके जाओ बस। ठीक है, अगर तुम वापस लेने भी आए तो भी मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगा तुम्हें वापस लेने, मेरे जिंदगी में शांति रहे वही बहुत है, तुम जाओ बस। अच्छा सुनो ना, देखो ये मम्मी ने इस लिफाफे में सोने के चेन डाल कर दी है, इसीलिए उन्होंने 100 रुपए रख दिए। अभी तो गुस्सा छोड़ो, तुम यूं ही गुस्सा कर रहे थे। सोने की चेन? ये चेन तो सच में बहुत ही अच्छी है। मेरी सासू माँ दिल की कितनी अच्छी है। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले तुम उनकी बुराई कर रहे थे, ये सोने के चेन देखकर कैसे बदल गए? अरे मैं तो उस घर का दामाद हूँ, नाराज होना तो मेरा हक बनता है। मैं तो यूं ही कुछ बोल रहा था, और आज तक मैंने सासू माँ से कुछ मांगा है? क्यों झूठ बोल रहे हो, अभी 2 महीने पहले 30,000 रुपए उनसे किसने लिए थे? मैंने तो उधारी लिए थे, लौटा दूंगा। और तुम बैठो ना स्कूटी पे, आओ बैठो। संजय मुझे तुम्हें कुछ कहना है, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं, बोलो ना क्या बात है। संजय ये चेन मम्मी ने मुझे दी थी, लेकिन हम दोनों इसे यूज करेंगे। उन्होंने मुझे दिया या फिर तुम्हें, बात तो एक ही है। तुम मेरी वाली चेन पहन लेना, वो तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी। अभी ये मुझे दे दो, मैं लॉकर में रख दूंगी। हाँ। वैसे भी पतली सी चेन है, तुम्हारे गले में दिखेगी भी नहीं। अच्छा ठीक है, लो इसे तुम्हें रखो। और सुनो पिंकी, मेरे लिए कॉफी बना दो। दोस्तों ये चेन तो नकली है, कभी कभार अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर छोटा सा झूठ बोलना पड़े तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। 4 दिन में ये इस चेन के किस्से को तो भूल जाएंगे, लेकिन हमारा प्यार ऐसे ही बना रहेगा।